जी गुरुजनों तथा समस्त मित्रों, आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। इसे राष्ट्र के लिए वह दिन कितना महत्वपूर्ण व हर्षोल्लास का होगा जब उसे पराधीनता के श्रृंखलाओं से मुक्ति मिली होगी। वह दिवस तो फिर उस राष्ट्र के लिए विशेष महत्व रखता ही है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के भाग्योदय का दिन था। इसे दिन 45 करोड़ भारतवासियों ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त की थी। तब से हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष 1857 में शुरू हो गया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस व भगत सिंह आदि वीरों ने इस चिंगारी को हवा दी। सुलग सुलग कर एक दिन यह चिंगारी शोला बन गई। अंग्रेजों के अत्याचारों ने आग में घी का काम किया। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों तथा अगस्त 1942 की क्रांति ने तो उनकी जड़ों को और भी खोखला कर दिया। अतः विवश हो अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र कर दिया। यह दिवस सुख शांति व समृद्धि का प्रतीक है। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, जरा गौर करिएगा, कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के साथ भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन के संबंधित कुछ बताना चाहूंगा। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया में सबसे अलग है। इस त्यौहार को मनाने से हमें हमारे देश की प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति की याद आ जाती है। याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।